तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के अपनी वीडियो पर। बेसिकली जिस तरह से हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था कि मेसनरी में कितने प्रकार के टाइप्स देखने को मिलते हैं, जिस तरह से यहाँ पर आपको दिख रहा है ये मेसनरी के यहाँ पर टोटल 5 टाइप देखने को मिलते हैं, जिसमें हमारा यहाँ पर पहला है दोस्तों ब्रिक मेसनरी, दूसरा है स्टोन मेसनरी, तीसरा है होलो कॉन्क्रीट ब्लॉक मेसनरी, चौथा है दोस्तों यहाँ पर रेनफोर्स्ड ब्रिक मेसनरी, और पाँचवा आता है दोस्तों यहाँ पर कॉम्पोजिट मेसनरी। यानी कि ये 5 टाइप थे। हमने यहाँ पर ब्रिक मेसनरी को भी चालू कर दिया था, जिसके अंदर हमने यहाँ पर समझा था कि अनबर्न और बर्न ब्रिक क्या होता है, यानी कि रेड ब्रिक्स जिसे हम यहां पर यूज करते हैं ज्यादातर कंस्ट्रक्शन वर्क वगैरह में। अगर यहां पर देखें तो ब्रिक मेसनरी में एक और टाइप निकल करके आता है जिसे कहते हैं फ्लाई ऐश ब्रिक्स। फ्लाई ऐश ब्रिक्स डेफिनेटली क्या होता है, अगर हम इसको समझे थोड़ा यहां पर इसकी प्रोसेसिंग क्या है, बनाने की टेक्निक क्या कुछ है, तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा फ्लाई ऐश ब्रिक्स है, इसके नाम के आधार पर आपको पता चल रहा होगा, फ्लाई ऐश यानी होता है दोस्तों यहाँ पर राख। राख यानी कि जब हम यहाँ पर कोल यानी कि कोयला को बर्न करते हैं, जो हमें लास्ट में यहाँ पर प्रोडक्ट मिलता है उसे कहते हैं हम यहाँ पर फ्लाई ऐश। जी हाँ दोस्तों, यानी कि राख। ये राख की अगर हम बात करें तो इसका पहले कुछ यूज नहीं किया जाता था, बट 2001 के बाद अगर हम देखें तो इसका प्रोडक्शन लार्ज मात्रा में बढ़ने लगा, क्योंकि हम पहले किस पे खाना बनाते थे, पहले कोयले के ऊपर ही खाना बनाया जाता था। कोई भी बॉयलर ले लो या फिर कोई भी रेलगाड़ी कह लो, सब कुछ पहले यहाँ पर कोयले के ऊपर ही चलाई जाती थी, जिसके कारण फ्लाई ऐश का जो कंटेंट था वो बढ़ने लगा। यहाँ पर ये भी देखने को मिलता है कि फ्लाई ऐश का जो कंटेंट था वो यहाँ पर 61 मिलियन टन तक पहुँच गया था फ्लाई ऐश का, तो जिसके कारण इसका यूज़ किया गया, और यूज़ करने के बाद एक ऐसा प्रोडक्ट निकाला गया ताकि इसकी क्वांटिटी को कम किया जा सके, जो था हमारा यहाँ पर फ्लाई ऐश ब्रिक्स। के फ्लाई ऐश ब्रिक्स के अंदर में यहाँ पर देखें तो फ्लाई ऐश का भी कंटेंट देखने को मिलता है, और भी ऐसे मटेरियल्स हैं जिनका यूज़ किया जाता है। आइए अब इसकी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को थोड़ा यहाँ पर समझते हैं। अब थोड़ा यहाँ पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को समझें तो देख सकते हो पहले क्या काम किया जाता है, इसके अंदर सीमेंट का यूज़ किया जाता है, सैंड का यूज़ किया जाता है, ताकि अच्छी तरह से स्ट्रेंथ मिल पाए। जिस तरह से समझ सकते हो, अगर सीमेंट यूज़ किया तो इसके अंदर डेफिनेटली दोनों के मुकाबले में अच्छा स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा, दोनों यानी कि रेड ब्रिक यानी कि जो भी हमारा यहाँ पर बर्न ब्रिक है, और दूसरा यहाँ पर जो यानी कि अनबर्न ब्रिक, तो उसकी क्वालिटी ऐसी ही खराब रहती है, तो उनके मुकाबले में ये ब्रिक की क्वालिटी ज़्यादातर अच्छी देखने को मिलेगी। फिर दूसरा क्या है दोस्तों, यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर जो भी पेस्ट वगैरह हमने बनाया है, अब हम मोल्ड के अंदर उसको भर देंगे यानी कि फिलअप कर देंगे, बिकॉज ऑफ उसको एक साइज देने के लिए, एक अच्छा टेक्सचर देने के लिए, एक पोर्शन देने के लिए उसका हम मोल्ड में उसको भर के अच्छी तरह से एक शेप दे देंगे। फिर इसके बाद उसको हम क्या काम करेंगे दोस्तों, ड्राई करेंगे। इसमें तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में इसके लिए कोई भी बर्निंग प्रोसेस का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बिकॉज ऑफ इसके अंदर जो हमने सीमेंट का इस्तेमाल किया है, सीमेंट ही एक ऐसा क्वालिटी है जिसके अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादातर देखने को मिलता है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन मटेरियल में। फिर इसके बाद क्या काम करते हैं, उसको 28 दिन तक क्यूरिंग करते हैं, क्यों, क्योंकि सीमेंट है, सीमेंट को चाहिए पानी, पानी क्यों लगता है वो तो आपको पता ही होगा, नहीं भी पता हो तो बता दूँ, उसके अंदर रहता है लाइम का कंटेंट, और लाइम यहाँ पर हीट ऑफ हाइड्रेशन क्रिएट करता है जिसके कारण वो गर्म होता है सीमेंट, यानी कि सीमेंट गर्म होता है, सीमेंट का पेस्ट और लाइम गर्म होने लगता है जिसके कारण यहाँ पर क्रैक्स वगैरह डेवलप हो सकते हैं, तो पानी देंगे तो उसके अंदर की जो बॉन्डिंग वगैरह है वो यहाँ पर अच्छी तरह से क्रिएट होगी। तो 28 दिन तक इसको यहाँ पर क्यूरिंग किया जाता है, और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर उसका जो भी मोल्ड वगैरह है उसको रिमूव कर दिया जाता है, और बाद में हमें यहाँ पर मिलता है फ्लाई ऐश ब्रिक्स। देख सकते हो कुछ इस तरह से क्वालिटी वगैरह रहती है, आपने देखा होगा। अब इसकी बात करें तो देख सकते हो सिमेंटेनियस प्रॉपर्टीज के अंदर है, जिस तरह से जिसके कारण इसकी हार्डनेस, क्वालिटी, साइज, टफनेस, स्ट्रक्चर, बिल्ड क्वालिटी सब कुछ बेटर पाई जाती है, डिपेंड्स ऑन रेड ब्रिक्स यानी कि बर्न ब्रिक के मुकाबले में। अब इसके बाद आगे की ओर चलें तो ऐसा क्यों होता है, जिस तरह से मैंने बताया इसके अंदर हाईली प्रमाण में यानी कि हाईली कंटेंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे कहते हैं हम यहाँ पर लाइम, वो इस्तेमाल किया जाता है, क्यों, क्योंकि सीमेंट में ज़्यादातर यही रहता है, सीमेंट में 60-70% यहाँ पर लाइम पाया जाता है, जिसके कारण ये लाइम क्या है, एक बाइंडिंग प्रॉपर्टी है, एक बाइंडिंग प्रॉपर्टी, एक सीमेंटेनियस प्रॉपर्टी क्रिएट करता है, जिसके कारण ये ब्रिक की क्वालिटी अच्छी देखने को मिलती है। अगर इसके बाद हम आगे की ओर भी देखें तो यहाँ पर ये लाइट वेट भी देखने को मिलता है कंपेयर टू रेड ब्रिक्स। किस तरह से, तो देख सकते हो जो रेड ब्रिक है वो यहाँ पर 3 kg to 3.2 kg पाया जाता है, बट फ्लाई ऐश ब्रिक्स यहाँ पर 2.6 kg देखने को मिलता है, तो समझ सकते हो लाइट वेट भी है। अगर हम इसका यूज स्ट्रक्चर बनाने के लिए करते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पर लाइटर बनेगा, यानी कि जो भी हमारा यहाँ पर उसका सेल्फ वेट है वो यहाँ पर कम देखने को मिलेगा डिपेंड्स ऑन रेड ब्रिक्स के मुकाबले में, क्योंकि यहाँ पर वो हल्का है, सेल्फ वेट ऑफ जो भी स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर घटाएगा
और अच्छी तरह से एक गुड क्वालिटी ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट करके देगा। फिर इसके बाद आगे की ओर बढ़े दोस्तों, तो यहाँ पर और भी कुछ इसके एडवांटेजेस देखने को मिलते हैं डिपेंड्स ऑन क्ले ब्रिक्स। तो यहाँ पर पहला आता है हाईली फायर इंसुलेशन। ये हाईली फायर इंसुलेशन है जिसके कारण यहाँ पर आग वगैरह जब भी लगता है तो वहाँ पर इंसुलेशन की तरह वर्क करता है, उसको रजिस्ट करता है, वो अच्छी तरह से वो आग वगैरह को रजिस्ट करने के काम में आता है। दूसरी बात, इसकी हाई स्ट्रेंथ देखने को मिलती है डिपेंड्स ऑन रेड ब्रिक्स या फिर डिपेंड्स ऑन क्ले ब्रिक्स। इसकी स्ट्रेंथ उनके मुकाबले में थोड़ी अच्छी पाई जाती है। अब यहाँ पर देखें तो इसकी यूनिफॉर्म साइज मिलती है, क्योंकि इसका जो भी हार्डनेस है तो निकलने वाला नहीं है ना, सीमेंट की वजह से एक अच्छी फिनिशिंग मिल गई हमें, जिसके कारण इनका एक यूनिफॉर्म साइज हो जाता है, जिसके कारण हमें बेटर ऑफ जॉइंट्स मिलते हैं और प्लास्टर वर्क भी इसके ऊपर अच्छी तरह से देखने को मिलता है, यानी कि एक इवन प्लास्टर क्रिएट करके देता है, जिसके कारण हमारा यहाँ पर प्लास्टर भी अच्छी तरह से बचता है। यहाँ पर आगे की ओर देखिए तो दोस्तों, यहाँ पर डिफरेंस हमने लिया है क्ले ब्रिक्स का और फ्लैश ब्रिक्स का। बेसिकली मैंने यहाँ पर क्ले ब्रिक्स के अंदर में रेड ब्रिक को ही रखा है, क्योंकि रेड ब्रिक क्ले ब्रिक के अंदर में अच्छी क्वालिटी का देखने को मिलता है। थोड़ा सा हम यहाँ पर देखते हैं तो बेसिकली यहाँ पर हम देखें तो डेंसिटी इसकी यहाँ पर 1600 से 1750 केजी पर मीटर क्यूब देखने को मिलती है। अगर वही यहाँ पर फ्लैश ब्रिक्स की देखिए तो 1700 से 1850 केजी पर मीटर क्यूब होता है, जिससे ये यहाँ पर क्या है, हायर लोड बेयरिंग कैपेसिटी बेयर करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। किसका? फ्लायर्स ब्रिक्स का। देख सकते हो कितना एडवांटेज है। दूसरी बात देखें तो यहां पर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, यानी कि जब हम यहां पर सीटीएम मशीन में टेस्ट करते हैं तो यहां पर रेड ब्रिक्स का 30 से 35 केजी ही मिलता है, बट यहां पर फ्लायर्स ब्रिक्स की बात करें 90-100 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर देखने को मिलता है। इससे क्या होता है कि हायर लोड बेयरिंग कैपेसिटी, यानी कि लोड को बेयर करने की क्षमता इसके अंदर ज्यादा देखने को मिलती है। अब यहाँ पर हम बात करें इसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी की, तो जब हम यहाँ पर ब्रिक्स वगैरह को बाल्टी में 24 आवर्स के लिए यहाँ पर रखते हैं पानी के अंदर में, पानी से भरे बाल्टी में, तो निकालते हैं जब उसको हम बाहर और उसका वजन लेते हैं और उसके बाद जब उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो यहाँ पर 15-25% पाया जाता है, किसमें? रेड ब्रिक्स में। बट वही हमारा यहाँ पर फ्लैश ब्रिक्स की बात करें तो 10-14% ही देखने को मिलता है, यानी कि लेस देन 10% डिपेंड ऑन रेड ब्रिक्स दोस्तों। तो बेसिकली इससे हम क्या कह सकते हैं, इसके अंदर लेस डैम्पनेस देखने को मिलता है, यानी कि जो भी इनके अंदर की वॉइड्स वगैरह है, जो भी छोटे छोटे जगह है, वो यहाँ पर अच्छी तरह से फिलअप होते हैं फ्लैश ब्रिक्स के अंदर में। अब हम यहाँ पर देखिए आगे डायमेंशन स्टेबिलिटीज की बात करें तो वेरी लो टॉलरेंस पाया जाता है और इसमें हाई टॉलरेंस देखने को मिलता है, जिसके कारण हमारा क्या रहता है, मोर्टार यहाँ पर 25% तक यहाँ पर सेव होता है। टॉलरेंस यानी कि इसके अंदर अच्छी तरह से एक्यूरेसी देखने को मिलती है, इसके अंदर उतना एक्यूरेसी नहीं रहता, एजिस वगैरह प्रॉपर नहीं रहते, जिसके कारण मोटार वगैरह ज्यादा फिलअप होता है, या फिर आप समझ सकते हो कहीं से ब्रिक की साइज छोटी हो, कोई ब्रिक छोटा भी हो, बट यहां पर सीमेंट वाले में यूज किए तो क्या हुआ, इसका स्ट्रक्चर एक शेप और एक साइज का निकला, जिसके कारण हमारे यहां पर मोटार जो है वो 25% सेव होता है। अब इसके बाद बात करें तो वेस्टिंग ड्यूरिंग द ट्रांसमिट, यानी कि जब हम ट्रांसमिट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाते हैं ब्रिक को, तो ब्रिक को हम यहां पर जब भी अनलोड या फिर लोड करते हैं तो उसको उठा करके पटकते हैं, रखते हैं, जिसके कारण उसकी टूट जाती है अंदर की स्ट्रेंथ वगैरह की वजह से। तो यहाँ पर 10% देखने को मिलता है इन रेड ब्रिक्स, बट वही अगर फ्लैश की बात करें तो यहाँ पर 2% देखने को मिलता है, जिसके कारण हमारा यहाँ पर 8% यहाँ पर कॉस्ट सेव होता है। यहाँ पर हम ब्रिक जब परचेस करते हैं तो 8% की हम यहाँ पर बचत करते हैं, समझ सकते हो कितना फायदा होगा। अब इसके बाद प्लास्टरिंग की बात करें तो जो थिकनेस है वो यहाँ पर बोथ साइड इसके अंदर क्या रहता है, यहाँ पर बराबर नहीं देखने को मिलता, थिकनेस वेरी करता है दोनों साइड यहाँ पर इसकी प्लास्टर करने में, किसमें? तो रेड ब्रिक्स में। बट वही अगर फ्लैश ब्रिक्स की बात करें तो इवन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड बराबर थिकनेस का प्लास्टर चढ़ता है, बिकॉज ऑफ देयर टेक्सचर, बिकॉज उसकी टेक्सचर जो भी है, जो भी हमने बनाया है वो एक साइज में बनाया है, शेप में बनाया है, जिसके कारण हम यहाँ पर प्लास्टर में 15% की सेविंग करते हैं, और इस तरह से ये यहाँ पर प्लास्टर में भी 15% बचाता है फ्लैश ब्रिक्स। तो इतनी अच्छी क्वालिटी इसकी देखने को मिलती है। अगर हम यहाँ पर बात करें फ्लैश ब्रिक्स की कंस्ट्रक्शन में यूज़ करने की, तो हम इसकी मदद से यहाँ पर पैसा कह लो, क्वालिटी कह लो, सेफ कह लो, स्ट्रक्चर का लोड कह लो, सब में हम यहाँ पर सेफ रहेंगे, बिकॉज ऑफ इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी पाई जाती है। अब आगे की ओर देखें तो कुछ यहाँ पर डेफिनेशंस हैं मेसनरी को लेकर के, मेसनरी के टर्म्स में कुछ यहाँ पर डेफिनेशंस वगैरह आते हैं। अब डेफिनेशन किस तरह से हैं यहाँ पर मैं अगर आपको समझाऊं तो पहला आता है दोस्तों यहाँ पर स्ट्रेचर। स्ट्रेचर यानी कि अलोंग दी लेंथ दोस्तों, यानी कि जो ये लेंथ है इसके अलोंग दी जो यहाँ पर पोर्शन आया हुआ है उसे कहते हैं स्ट्रेचर। और बेसिकली स्ट्रेचर की यहाँ पर अगर हम बात करें तो साइज वगैरह की, यहाँ पर मॉड्यूलर साइज ऑफ ब्रिक की बात की गई है, जो ब्रिक की साइज रहती है वो देख सकते हो दोस्तों कुछ इस तरह से पाई जाती है, 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर।
किस तरह से, तो ये जो पोर्शन है ये वाला पोर्शन कहलाएगा हमारा यहाँ पर 20 सेंटीमीटर, ये वाला पोर्शन कहलाएगा दोस्तों यानी कि अलोंग द विड्थ उसे कहेंगे हम 10 सेंटीमीटर और जो इसकी हाइट है उसको कहेंगे हम यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। अब जो अलोंग द यहाँ पर स्ट्रेचर है, अलोंग द स्ट्रेचर की मेजरमेंट की बात करें तो 20 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर होगा क्योंकि हमारा जो स्ट्रेचर है वो तो यही है ना, इसी को ही कहेंगे। तो हमारा ये 20 और ये 10 यानी कि जो हमारा ये पोर्शन है ये हाइट है, ये तो विड्थ में चला गया है, जो हाइट है उसको हम ये वाला कंसीडर करेंगे यानी कि ये वाला हो जाएगा हमारा यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। तो अगर आपसे पेपर में पूछे कोई कि स्ट्रेचर का क्या रहता है साइज, तो आप बता पाएंगे कि 20 सेंटीमीटर लंबा और 20 सेंटीमीटर यहाँ पर क्या रहता है उसका हाइट देखने को मिलता है। अब इसके बाद आगे की ओर देखें दोस्तों तो आगे की ओर आता है हमारा यहाँ पर हेडर। हेडर यानी कि बेसिकली हमारा जो भी अलोंग द विड्थ पोर्शन रहता है उसे कहा जाता है यहाँ पर हेडर। ये वाला पोर्शन आप देख पा रहे होंगे इसे कहा जाता है हेडर। अब हेडर की बात करें तो सेम इसकी अगर साइज वगैरह की बात करें तो अब यहाँ से रहता है कितना, यहाँ से रहता है ये यहाँ पर 10 सेंटीमीटर और यहाँ से भी रहता है कितना, यहाँ पर रहता है 10 सेंटीमीटर। तो अगर आपसे कोई हेडर की साइज पूछे तो आप बता पाओगे कि 10 सेंटीमीटर वो चौड़ा 10 सेंटीमीटर यहाँ पर क्या रहता है उसका डेप्थ देखने को मिलता है, ये वाला पोर्शन कहलाता है हेडर। अब दोस्तों आगे की ओर देखें तो आगे हमारा यहाँ पर आता है बॉन्ड। बॉन्ड बेसिकली क्या रहता है, जब हम कोई भी दो मेंबर को जॉइंट करते हैं तो उसके बीच में जो इंग्रेडिएंट रहता है उसकी वजह से ये जो बॉन्ड क्रिएट करते हैं उसे कहते हैं बॉन्ड। दो जॉइंट को मिलाना है एग्जैक्टली उसे कहते हैं हम यहाँ पर बॉन्ड। अब बॉन्ड को देखें तो बेसिकली किस तरह से रहता है, सपोज इट ये वन पर्सन ये टू, इन दोनों को हमें ज्वाइंट करना है तो यहाँ पर जो मटेरियल फिलअप किया जिसके कारण ये क्या हुआ, एक बॉन्ड क्रिएट हुआ इन दोनों के बीच में, इसके बीच में भी बॉन्ड क्रिएट हुआ या मटेरियल फिलअप करने की वजह से। तो ये इस तरह से रहता है बेसिकली, इसमें रहता क्या है, हम यहाँ पर कंटिन्यूस वर्टिकल जॉइंट्स जो यहाँ पर बोथ साइड रहता है बोथ इन बॉडी, जैसे कि इस साइड ले लो या फिर उस साइड ले लो, जो बॉडी में दोनों साइड है अलोंग द फेस कह लो, तो जो ये क्रिएट करता है वर्टिकल जॉइंट्स उसे कहते हैं हम यहाँ पर बॉन्ड। कोर्स यानी कि दोस्तों बेसिकली जो हम यहाँ पर मेसनरी वर्क कर रहे हैं यानी कि लेयर वाइज यहाँ पर जो भी हमारा हॉरिजेंटल लेयर क्रिएट होता है, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये जो हॉरिजेंटल यहाँ पर लेयर क्रिएट हुआ ये सारा ये लेयर है, ये जो भी ये सारा यहाँ पर ये लेयर है, जो भी ये हॉरिजेंटल है ये हमारा क्या एक लेयर बना, फिर दूसरा लेयर कहाँ पर क्रिएट होगा, ये दूसरा लेयर बनेगा, फिर ये तीसरा लेयर यहाँ से बनेगा, फिर ये चौथा, फिर ये पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, तो एक एक लेयर वाइज करते हैं, ये नहीं कि एक साथ वॉल ला करके रख दिए। तो ये जो लेयर्स क्रिएट हो रहे हैं इसे कहा जाता है कोर्स। और बेसिकली इनके यहाँ पर दो तरह से वर्क होते हैं, तो दो कोर्स देखने को मिलता है, एक तो होता है स्ट्रेचर कोर्स, बेसिकली देख सकते हो इसके अंदर जो भी यहाँ पर निकल करके आता है एक स्ट्रेचर कोर्स। तो स्ट्रेचर कोर्स बेसिकली यहाँ पर देखे तो जो भी ब्रिक्स वगैरह प्लेस की गई होंगी वो सारे स्ट्रेचर के फॉर्म में प्लेस की गई होगी, ये सारा स्ट्रेचर होगा, ये सारा स्ट्रेचर है देख सकते हो। और वही अगर दूसरी बात करें यहाँ पर तो जो हमारा यहाँ पर हेडर है उसके अंदर जो भी लेयर्स वगैरह क्रिएट होंगी सारा वो यहाँ पर हेडर में प्लेस किया गया होगा, देख सकते हो सारा हेडर। ऐसा नहीं कि स्ट्रेचर और हेडर यही बनता है, अब हम चाहें तो एक लेयर स्ट्रेचर का ले सकते हैं, एक लेयर हेडर का ले सकते हैं, फिर एक लेयर स्ट्रेचर का ले सकते हैं, तो उस बॉन्ड को क्या कहा जाता है हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे या फिर आने वाली वीडियो में देखेंगे। बट इस तरह से भी लेयर्स वगैरह क्रिएट किए जाते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कोर्स क्या होता है तो आप इजीली आंसर और शॉर्ट वे में कह सकते हो, जो भी हमारा यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लेयर रहता है मेसनरी यूनिट्स का उसे कहा जाता है कोर्स। अब आगे की ओर बढ़े हैं तो आगे आता है दोस्तों हमारा यहाँ पर बेसिकली बेड। तो दोस्तों बेड्स की बात करें तो बेड्स बेसिकली कुछ इस तरह से, मैं यहाँ पर एक ब्रिक बना करके आपको समझाना चाहूँगा। तो ये जो हमारा ब्रिक कुछ इस तरह से रहता है, मैं भी थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा बने, तो जो ये नीचे वाला पोर्शन है ये वाला पोर्शन इसे कहते हैं हम यहाँ पर बेड, और ऊपर वाले पोर्शन को कहा जाता है यहाँ पर फेस, इस वाले पोर्शन को कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर हेडर, हेडर हेडर, और ये वाला पोर्शन हमारा रहता है स्ट्रेचर। तो बेसिकली कुछ इस तरह से रहता है इनका यहाँ पर नाम वगैरह यानी कि यहाँ पर पोर्शन वगैरह। अब बात आती है दोस्तों बेड्स की, तो बेड हमारा कौन सा, नीचे वाला पोर्शन है, जब हम यहाँ पर मसाला फिलअप कर देंगे और जब दूसरी लेयर लेंगे तो जो नीचे वाला पोर्शन कहलाएगा उसे कहेंगे हम यहाँ पर बेड। देख सकते हो लिखा है कि लोअर सरफेस ऑफ ब्रिक और स्टोन इन ईच कोर्स, यानी कि जो भी हम ईच कोर्स ले रहे हैं उसका यहाँ पर लोअर पोर्शन, इसका भी लोअर पोर्शन गिनेंगे तो वही बेड आएगा, इसका लोअर पोर्शन, इसका लोअर पोर्शन, ये हमारा कहलाता है बेड। अब इसके बाद आगे की ओर देखें दोस्तों तो आगे आता है हमारा यहाँ पर फेस। तो दोस्तों इसके बाद हमारा यहाँ पर आता है फेस। फेस यानी कि जो भी हमारा यहाँ पर एक्सपोज्ड वाला पोर्शन है, यानी कि जो भी हमारा यहाँ पर वेदर वाला पोर्शन है, बाहर वाला पोर्शन है, उसे कहेंगे फेस, यानी कि ये सारा जो पोर्शन है इसे कहेंगे हम यहाँ पर फेस। जो भी हमारा एक्सटीरियर पोर्शन है, एक्सपोज्ड वाला पोर्शन है, उसे कहेंगे हम यहाँ पर फेस। अब आगे की ओर देखें दोस्तों तो आगे आता है, इसको मैं इरेज कर दूँ थोड़ा सा, अब इसको हम इरेज करके समझें, अब हमारा आता है दोस्तों बैक।
बैक, यानी कि अब ये हो गया हमारा सामने का पोर्शन, जिस तरह से मैंने बताया ये हो गया फेस, तो अब पीछे वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा दोस्तों यहाँ पर बैक। अब बैक भी मिल गया, अब जो आता है यहाँ पर हेटिंग, हेटिंग यानी कि बेसिकली दोस्तों हेटिंग यानी कि बैक और फेस का इंटरमीडिएट पोर्शन, ये वाला बीच वाला पोर्शन कुछ तो होगा ना जो इनर पार्ट, उसे कहेंगे हम यहाँ पर हेटिंग। अब आगे की ओर दोस्तों बढ़े, तो दोस्तों हम यहाँ पर आगे की ओर देखें तो आगे आता है हमारा यहाँ पर जॉइंट। जॉइंट्स की बात करें तो बेसिकली क्या है, एक जंक्शन प्रोवाइड करता है किसमें, दो या दो से अधिक ब्रिक्स या फिर स्टोन में, यानी कि ये हमारा पहला ब्रिक और दूसरा, इनके बीच में जंक्शन, एक यहाँ पर क्या मिल रहा है, आधार मिल रहा है, जॉइंट्स क्रिएट कर रहा है, इसे कहेंगे हम यहाँ पर जॉइंट। अब बेसिकली आगे की ओर देखें तो आता है बेड जॉइंट। बेड जॉइंट यानी कि जो हम यहाँ पर नीचे वाले पोर्शन में मोर्टार इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे हम जो जॉइंट क्रिएट कर रहे हैं उसे कहेंगे बेड जॉइंट। बेसिकली ये वाला पोर्शन पूरा बेड जॉइंट कहलाएगा, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन, उससे हम कहेंगे यहाँ पर बेड जॉइंट। तो दोस्तों इसके बाद आता है यहाँ पर परपेंड। परपेंड यानी बेसिकली जो भी हमारा यहाँ पर वर्टिकल जॉइंट्स है उसको कहा जाता है परपेंड, ये वाला, इसको वर्टिकल जॉइंट्स कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर परपेंड। अब आगे की ओर देखें तो दोस्तों आता है यहाँ पर रेकिंग। रेकिंग यानी बेसिकली जो भी हमारा ये स्ट्रक्चर बना दिए, अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर आगे की ओर लेना है दीवार, बट अभी मनी प्रॉब्लम समझ लो, या फिर ना लेने के कारण, या फिर आगे मैं और कोई बड़ा स्ट्रक्चर क्रिएट करूँगा, या फिर आगे मैं और कुछ नया बनाऊँगा, तो उससे मुझे एक अच्छी बॉन्डिंग देने के लिए, एक अच्छा जॉइंट क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर ब्रिक्स को रैंकिंग बैक बनाते हैं, जिसके कारण रैंकिंग बैक मेथड में रखते हैं, ताकि हमारा यहाँ पर जब हम नया स्ट्रक्चर बनाइए तो हमारा ओल्ड हो गया, लेकिन जब हम यहाँ पर नया स्ट्रक्चर बनाएंगे तो मान लीजिए हमने यहाँ पर मोटर फिलअप किया और मोटर यहाँ पर फैलाया और इसके बाद ब्रिक्स लिया, फिर इसके बाद ऊपर वाला इस यहाँ से मोटर फैलाएंगे, फिर यहाँ से मोटर फैलाएंगे, फिर यहाँ से मोटर फैलाएंगे, तो हमारा ये जो जॉइंट है वो एक क्रॉस में क्रिएट होगा, जिसके कारण हमारी दीवार वगैरह में अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट होगी और यहाँ पर दीवार वगैरह गिरेगी नहीं, पकड़ के रखेगी, इसको कहा जाता है रेकिंग। अब डेफिनेटली आपको यहाँ तक अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और भी इसके टर्म्स वगैरह हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, और इसके रिलेटेड में कोई भी डाउट हो तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।